अमेरिकी संसद के उच्च सदन में चीन के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का बिल पारित किया गया है। इस बिल में चीन के उन अधिकारियों के वीजा पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है जो अमेरिकी नागरिकों, अधिकारियों और पत्रकारों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं देते। अमेरिकी संसद के निचले सदन में प्रतिनिधि सभा से द रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट बिल गत सितंबर में ही पास हो गया था। इस बिल में अमेरिकी नागरिकों, पत्रकारों और अधिकारियों के तिब्बत में निर्बाध आवागमन की मांग की गई है। इस बिल को अब व्हाइट हाउस भेजा जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। इस बिल को लाने वाले सीनेटर मैक्रो रूबियो ने ट्वीट किया, बिल पर अब सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार है। जबकि सेनेटर रॉबर्ट मेडेंज ने कहा कि यह बिल हमारे मूल्यों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, यह मौलिक निष्पक्षता के लिए है। चीनी नागरिकों को अमेरिका में कहीं भी आवाजाही की पूरी छूट है। अगर चीन चाहता है कि उसके पर्यटकों, अधिकारियों, पत्रकारों और आम नागरिकों को अमेरिका में यह सुविधा मिलती रहे तो उसे भी तिब्बत समेत चीन में इसी तरह की छूट देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।